हाय गाइस, दिस इज़ एन ओल्ड वीडियो, नॉट टू ओल्ड, बट दिवाली वाले दिन का है और इसमें मैंने अपना रूम टूर दिया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज दिवाली का एक दिन रह गया है और मैं व्लॉग कर रही हूँ, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा रूम कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। हमने तैयारी दो दिन पहले से शुरू कर ली थी इसको करने की, मगर आज तो अल्टीमेट, बिकॉज माई गेटअप इज़ ब्यूटिफुल एंड सो इज द रूम। सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट्स लुकिंग। सो दिस इज मी इन माई रूम, इन माई ब्यूटिफुल रूम। ये बेड कवर मेरा शादी से पहले का है। लेट मी जस्ट शो यू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव एडेड। सो बेसिकली वो जो टू पिलोज दिख रहे हैं, एक लाजपत नगर से लिया था और एक बोहो शॉप है कहीं पर, वहाँ से लिया था रैंडमली बस। ये जो लैम्प आपको दिख रहा है, इसका जो टॉप है वो मैं आपको अभी क्लियरली दिखाती हूँ कि क्या है। ये मैंने प्रगति मैदान से लिया था और ये लैम्प हमारा पुराना है, ये पंचकुइया फर्नीचर मार्केट से हमने लिया था अराउंड 3 to 2.5 years बैक। ये जो लैम्प शेड है ये मैंने प्रगति मैदान से ट्रेड फेयर से लिया था और ये हैंडमेड है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। ये लाइट मैंने ली थी डॉलर स्टोर से और ये अराउंड 500 रुपीज़ की पड़ी थी। इसके साथ हमने एक लैंटर्न वाली लाइट भी ली थी, वो भी मैं आपको शो करती हूँ। फिर मैं शो करती हूँ ये जो तार दिख रही है आपको, ये दिखती थी तो हमने इसको कवर करने के लिए अमेजोन से ये आर्टिफिशियल लीव्स मंगाई, आर्टिफिशियल क्लाइंबर मंगाया, विच वॉज़ फॉर अराउंड $300 एंड प्रिटी गुड सेविंग ऑफ द वायर, मतलब कम से कम कुछ लुक तो चेंज हो रही है। ये मैंने एक नर्सरी से लिया था ये वाला आउल, और ये आउल बड़ी कॉमनली मिल रहा है और इसमें जो मैंने प्लांट लगाया है ये मैं लेके आई थी शिमला से। शिमला का व्लॉग आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं और उसमें से देख सकते हैं। 50 rupees का सक्यूलेंट था एंड इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन। थोड़े से चेंजेस हमने और करे हैं जो कि इसकी वीडियो भी मैं आपको साथ में डाल के दे दूंगी। ये मेरा शू रैक था जो कि ओपन नहीं दिखता था, विच यूज़ टू लुक वेरी शैबी, तो मैंने उस पर क्या करा है कि एक ट्रे रखी है और उस पर अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स रख दिए हैं फॉर द टाइम बींग। अभी भरता जाएगा ये आई एम श्योर। ये कैक्टस मनी प्लांट जिसमें मैंने कैक्टस का पॉट अलग लिया था और ये मनी प्लांट अलग लिया था एंड आई डिड डिकोपाज आर्ट। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इफ आई एम नॉट करेक्ट मी। और ये लड़ी हमने कल परसों में लगाई है, ये तो हमने लोकल मार्केट से ही ली है अपनी। और ये जो बेड कवर है, ये जो पिल्लो कवर है ये एक बेडशीट के साथ आया। ये वाला जो पिल्लो है ये मैंने लाजपत नगर से लिया था ओनली फॉर 250। लेट मी जस्ट शो यू कैसा लगता है। बेसिकली अभी मिक्सर मैच करती हूँ मैं यूजुअली, तो अभी मेरे को ये वाले पिलोज पीछे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने ये रख दिए। यूजुअली मैं इनको इस तरफ रखती हूँ। तो ये था मेरा रूम टूर दिवाली वाले दिन रंगोली बनाते हुए एंड बाकी डेकोरेशन करते हुए। आई शो यू। हमने डिसाइड किया कि चना मुर्गी बनाते हैं। दैट कोकी मिस के चैनल पे हमने ये रेसिपी देखी थी। इट्स ओनली 2 ingredient रेसिपी, शुगर एंड पनीर, दैट्स इट। बहुत ही टेस्टी बनी थी बट एग्जैक्टली वैसी नहीं। फिर मैंने रंगोली बनाने की कोशिश करी। इस बार मैं रंगोली के लिए काफ़ी सारा सामान लाई थी, फ्लावर्स भी लाई थी और एक पेन भी लाई थी जिससे रंगोली की आउटलाइन करनी बहुत आसान हो जाती है। एंड मैंने डिज़ाइन भी पीकॉक वाला ही हमेशा मैं बनाती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वही लगता है, तो बहुत ही आसानी से किया। बस पेन में कभी कभी ये कलर अटक जाता था, लेकिन फिर भी इट वॉज़ वे इजियर दैन डूइंग इट विद हैंड, क्योंकि हैंड से तो बहुत ज़्यादा स्पिल होता है। आई लव डूइंग आर्ट इन एनी फॉर्म एंड स्पेशली जब फेस्टिवल होता है ना, तो आई लव डूइंग दीज छोटी छोटी चीज़ें विच मेक मी रियली हैप्पी, लाइक डेकोरेटिंग द हाउस एंड मेकिंग रंगोली एंड लाइटिंग अप दियर्स एंड पुटिंग सम लाइट्स ओवरऑल।
तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है मुझे इन सब के इन सब को करके. एंड ओवरऑल लाइक गार्डनिंग एंड पुटिंग प्लांट्स, बाइंग प्लांट्स, दीज थिंग्स ऑल्सो मेक मी रियली हैप्पी. सो वट एवर, अगर आपकी दिवाली अच्छी नहीं भी जा रही है तो अपने लिए एक छोटा सा ही ऐसा काम कर लो जिससे आपको एक थेरेप्यूटिक फीलिंग मिलेगी. यू विल फील मच बेटर ऑन दैट डे, क्योंकि वैसे भी दिवाली वाले दिन तो और कुछ करने को मिलता नहीं है. सो इट्स बेस्ट इफ़ यू प्ले विद कलर्स. एंड सिर्फ होली एक कलर्स के साथ खेलने के लिए नहीं है, दिवाली भी है. सो आई रियली लव दिवाली बिकॉज यू गेट टू गेट रेडी एंड आप दो तीन आउटफिट्स ट्राई आउट कर सकते हो. एंड इट्स अ गुड ब्यूटिफुल डे दैट आर एंसेस्टर्स हैव गिवन अस टू फील गुड अबाउट आर सेल्व. नहीं तो सेलिब्रेशन के और रीजन्स कम ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे. Also one more thing, like if you have जो भी आपके पास limited colors हैं, don't worry, you don't have to put the exact colors. अगर peacock pink color का नहीं होता तो आप pink color भी डाल सकते हो, because it's all about imagination, it's all about enjoying the process, it's all about decorating and feeling good about it. तो अगर colors जो भी आपके पास वो सब डाल दो. रंगोली overall बहुत सुंदर लगती है when you decorate it with flowers and diyas, वो अपने आप ही बाहर निकल आता है. रंगोली, ये गलती से ज्यादा गिर गया था तो मैंने दिए ही बना दिए उसके. He is ready. That was by mistake and this was by mistake. So थोड़ा सा उड़ भी है, but anywhere I am happy with the outcome. हैप्पी दिवाली. सो टुडे इज दिवाली एंड आई एम रेडी. आज मैंने सेकेंड आउटफिट चेंज किया है, जैसे मैंने करवा चौथ पे किया था वैसे ही मैंने आज किया है. तो ये ब्लैक टॉप टू द रेस्क्यू ऑलवेज, एंड आई एम वेयरिंग दिस ओल्ड लहंगा जो कि मैंने अपने दिवाली आउटफिट वाली वीडियो में भी दिखाया था. एंड आई एम वेयरिंग दीज इयर रिंग्स मिरर वाले, क्योंकि दैट गोज विद दिस. सो लेट मी शो यू द फुल आउटफिट. और तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, अब हम बस पूजा करेंगे और पौरुष म्यूजिक सुन रहा है. काफी नॉस्टैल्जिया हो रहा है मुझे ये म्यूजिक सुन के. जब ऐसा दिन हो ना, जब दिवाली जैसा कोई ओकेजन हो ना और बाल साथ ना दे तो बहुत इरिटेशन होती है. आज सुबह से ठीक थे, पता नहीं रात को क्या हुआ है. अब पूजा की तैयारी कर रहे हैं हम, और थोड़ी देर में पूजा करने के बाद दिए जलाएंगे. Where to hold it from? Simple food on Diwali and going to watch a movie. On ही नहीं था. अभी 7:30 हो गए और हमारी पूजा भी खत्म है और हमने दिए भी ये भी सेट कर लिया है, तो दिवाली ऑलमोस्ट. और अगर पोल्यूशन ऐसे रहा तो बहुत जल्द हम भी खत्म हो जाएंगे. और अब मैं खाऊंगी मेथी की रोटी, नथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल बट सिंपल एंड नाइस.